हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। हल्दी आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है जो औषधीय गुणों से लोडेड होता है। कमाल की हल्दी डायबिटीज से लेकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेहद फायदेमंद है। आपने हल्दी दूध के बारे में बहुत सुना होगा। आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं केवल 2 मिनट में बनने वाली हल्दी चाय पीने के गजब के फायदे और साथ ही देखेंगे कि इसे हमें कैसे बनाना है। हल्दी चाय बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, शहद स्वाद अनुसार और कुछ बूंद नींबू के रस की। इसको बनाने का तरीका है कि आप सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी डालकर गर्म कर लीजिए। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें आप हल्दी और काली मिर्च पाउडर डालकर उबाल लें। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप हल्दी पाउडर की जगह कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही एक उबाली आ जाती है आप गैस बंद कर दें, चाय को कप में छान लें और उसमें शहद और नींबू मिलाकर आप इस चाय का आनंद ले सकते हैं। हल्दी की चाय के फायदे बताने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हल्दी चाय पीते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। हल्दी की चाय का सेवन सुबह करना सबसे बेहतर होता है। दिन भर में 2 कप से ज्यादा हल्दी की चाय आपको नहीं पीना है। लिमिटेड मात्रा में इसका सेवन रोज किया जा सकता है। अगर आप रात को सोने से पहले इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि हल्दी चाय पीने के क्या फायदे होते हैं। What are the benefits of turmeric tea? आर्थराइटिस में राहत मिलती है। हल्दी की चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जिसके चलते यह जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करती है। साथ ही यह गठिया के लक्षणों को कम करके भी हमें राहत दिलाने में काफी सक्षम है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है। हल्दी की चाय हमारे दिल से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ दिल के दौरे और स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करने में काफी सक्षम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हल्दी LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती और धमनियों में प्लेग बनने से भी रोकती है। इसका लिमिटेड मात्रा में सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकता है और आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए भी ये बेहतरीन है। अल्जाइमर में हल्दी चाय फायदेमंद है। अल्जाइमर एक ब्रेन संबंधित समस्या है जिससे धीरे धीरे हमारी याददाश्त खोने लगती है। अगर इस बीमारी में आप हल्दी की चाय लेते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है। हल्दी में पाए जाने वाला कर्क्यूमिन हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करता है। इसीलिए यह कहना अनुचित ना होगा कि हल्दी चाय अल्जाइमर के दौरान कुछ हद तक फायदा दिला सकती है। लीवर डिटॉक्स करती है। लीवर से विषाक्त तत्व निकालने और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हल्दी की चाय बहुत लाभकारी है। शोध के अनुसार हल्दी चाय में एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन गुण पाए जाते हैं जिसके चलते ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करके टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। हल्दी की चाय हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है। इसमें एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, साथ ही ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है। ये सभी चीजें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में काफी मदद करती है। हल्दी चाय पीने से वेट लॉस होता है। हर दिन केवल 1 कप हल्दी की चाय पीने से आपका वेट लॉस आसानी से हो सकता है। वजन बढ़ने का मुख्य कारण है कि हमारे फैट टिश्यू बढ़ जाते हैं। हल्दी चाय का सेवन फैट टिश्यू की वृद्धि को रोकता है और मोटापे से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले हल्दी की चाय जरूर पिएं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हल्दी की चाय आपको दिन में 2 कप से ज्यादा नहीं लेनी है क्योंकि ज्यादा मात्रा में इसका सेवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, कब्ज और दस्त, साथ ही त्वचा पर चकत्ते और सूजन की समस्या पैदा कर सकती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है। तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।